फिर तुम्हारा अड्डा गया, चलो जिस वारी में पैसे निकालो। पैसे नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है भैया? जब सवारी लेने से पहले समझा था ना कि पैसे नहीं है। अरे छोड़ो, मैंने दो खड़े हो, देखते हैं दूसरे में। मुझे बताइए कि इसमें दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? इधर लेडीज ज्वेलरीज है, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वगैरह है। अच्छा मुझे बताइए, चावल के दाने पे कैसे नाम लिखते हैं? ये मैम, चावल के दाने पे पॉइंटर के साथ नाम लिखा जाता है और उसके बाद उसको एक ग्लास की ट्यूब में पैक करके दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं अब राइड करने लगी हूँ साइकिल की, तो चले। ये देखो मेरे सवारी भी से बैठ चुकी है। हेलो सवारियों, मजा आ रहा है? मजा आ ही गया, तो चले अब राइड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चल पा जो। फ्रेंड्स, मैंने अपने में कितने एक मारे? चार मारे मैंने। ओके, उनमें से एक मिस हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने अपने एक मारे, लेकिन चार बलून फोड़े मैंने। छोड़ो, चलो मारो भी। लास्ट वन आप ले लेना, इधर से ही। चलो आपने शॉप आ जाए इधर से, एक और। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं। देखिए नेकलेस में कितनी ज्यादा वैरायटी है। वाओ, लीफ्स वाला नेकलेस अमेजिंग। ये देखो, और ये वाला भी काफी प्यारा नेकलेस है, अमेजिंग है। ये देखिए 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 देखिए, और काफी सारे ब्यूटीफुल से कड़े भी हैं। फ्रेंड्स, ये है अलादीन का चिराग। इसमें से धुआं निकल रहा है? नहीं नहीं, इसमें जिन नहीं है, सर्दी है वैसे ही धुआं निकल रहा है। कितना ब्यूटीफुल सा अदा अलादीन का चिराग है, खुल भी गया। ये देखो जरा, इसमें जिन है। हेलो जिन भाई, राजा मेरे हुक्म मानो। जिन का दिल नहीं करा भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसने बिस्तर में लेट
इधर हाँ जी बिस्तर में लेट जाओ। उसका दिल नहीं करा आज बाहर आने का। मुसाफिर हुई एज अ पीस है, डेकोरेशन प्यारा सा है। फ्रेंड्स ये देखो, सुन लो प्यारी आवाज है, काफी प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारा है। ये देखो यहाँ पे नेकलेस है तरह तरह के, ये भी एक नेकलेस आई थिंक ये है। और ये देखो गन छोटू सी, आप इसे ठाड़ा भी कर सकते हो, ये नेकलेस है। ओके और भी काफी सारी चीजें हैं, ये देखें, ये एक लैंप है, नहीं क्या लाल डैन है। पुराने जमाने में जब बाहर जाना होता था ना तो ऐसे 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 देख के जाना होता था, क्योंकि तब लाइटें तो होती नहीं थी, तो ये लाल डैन उस वक्त काम आती थी। घर में भी लगाई हुई है, बाहर भी जाते हैं ऐसे 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 जाना होता था, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये झुमके देखो किस तरह के हैं, ये है एक झुमका पर्स है, ये पर्स है छोटू सा लिटिल सा, और ये है झुमके। मुझे बताइए कि इसमें दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? इधर लेडीज ज्वेलरीज है, ब्रेसलेट्स नेकलेस वगैरह है। अच्छा, तो इधर और यूनिक कोई चीज हो इधर? एंटीक ज्वेलरी है हमारे पास, बादशाही मस्जिद है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स बादशाही मस्जिद छोटू सी, मैंने इसे छोटा कर दिया, मजाक कर रही हूँ, वैसे ही एक एज अ पीस बनी हुई है, काफी प्यारी है। देखो छोटू सी बादशाही मस्जिद, अगर आपको करीब से देखनी है तो इधर से देख लेना। फ्रेंड्स ये है मेहंदी, ये अलग अलग डिजाइनिंग होते हैं और चावल के दाने पे नाम भी लिखते हैं, तो चले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइए चावल के दाने पे कैसे नाम लिखते हैं? ये मैम चावल के दाने पे पॉइंटर के साथ नाम लिखा जाता है और उसके बाद उसको एक ग्लास की ट्यूब में पैक करके दिया जाता है। उसमें कीचेन होता है, चेन लॉकेट होता है, ब्रेसलेट होता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनवाते हैं। अमेजिंग, तो कस्टमर जब ये शॉप ओपन होती है तो कस्टमर का रिव्यू कैसा होता है जब फर्स्ट टाइम आते हैं? जिन बंदों ने नहीं देखा हो वो तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली स्टैम्प वाली मेहंदी को देख के और चावल के दाने पे नाम देख के, क्योंकि एक दाने पे दो नाम लिखे जाते हैं, तो ये भी बड़ा सस्पेंस होता है। लोग कहते हैं कि हमें लिख के दिखाया जाए कि कैसे आप लिखती हैं, तो फिर उनके सामने उसी टाइम उनके नाम का बनाया जाता है। और मेहंदी का क्या है, कितने की है, एक हाथ पे लगाएं तो कितने की? मैम स्टैम्प वाली मेहंदी जो है वो 100 रुपीज़ का हाथ बनता है, 20 रुपीज़ पर स्टैम्प, और 6 स्टैम्प्स लगती हैं। ठीक है, इसी तरह कोन मेहंदी भी लगा रही हूँ और कोन मेहंदी के चार्जेस 250 चार्ज कर रही हूँ, इसके साथ स्टिकर वाली मेहंदी भी लगा रही हूँ, उसका भी सेम प्राइस है। तो लोग सब क्या पसाना लगाना पसंद करते हैं? आप जैसी बच्चियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर स्टैम्प वाली मेहंदी को लाइक करती हैं क्योंकि जल्दी लग जाती है, और जो ख़वातीन हैं वो कोन वाली मेहंदी को तरजीह देती हैं क्योंकि एक तो उसका टाइम लिमिट ज़्यादा होता है 8-10 दिन का, और दूसरा जो है वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में लगा लेती हूँ, उस पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ्रेंड्स ऐसी लेडीज़ को आप लोग सपोर्ट किया करें, उनके आए उनसे मेहंदी लगवाएं क्योंकि वही अपने घर का सारा करती हैं। फ्रेंड्स मैं स्टैंप लगवाने लगी, मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने देखा नहीं ना कभी, तो आज मैं पहली दफ़ा देखी। ओह वाह फ्रेंड्स देखेंगे कितनी प्यारी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स ये झटपट से लग जाती है, ना कोई इंतज़ार ना कुछ, और फटाफट से लगी मेरी मेहंदी, देखो प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स ये देखो मेरी, और इस तलफा की बताओ बताओ किसकी अच्छी लग रही है? मेरी ज्यादा, मेरी गुड है मेरी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुना अंकल इतनी प्यारी कैट है, कहाँ से लिया आपने? ये मैं गिफ्ट में लिया। किससे? भाई से। ये कब से आपके पास? तकरीबन 4 माह से, ये छोटा सा बच्चा था जब आप स्कूल आए थे ना, जो छोटा सा बच्चा था, अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया और इसका साथ हमारा इतना प्यार हो गया कि हमारे साथ ही सोता है, हमारे साथ ही खाता है। इसका कितना कलर प्यारा है, तो इसकी कितनी एज है? इसकी एज मेरा कुछ 6 मंथ के करीब तो होगी मेरे ख्याल। जी आज तो कराची वाला ने भी जा दिया, लो लो रे, तो काफी अच्छा लगा मुझे, इधर आ गए काफी सारा कुछ इधर कवर कर लिया, सारा कुछ तो नहीं कर पाई लेकिन जो जो मुझे कवर हो पाया मैंने वो किया सारा कुछ। यार इतना टाइम हो गया, मैं रात के तकरीबन 1 बजने वाला मैं इधर आई हूँ 6 बजे, और अभी तक देखो